गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल। आई एम जवीन एंड आई विल टीच यू इंग्लिश। टुडे इज ट्यूसडे एंड योर इंग्लिश टर्न, सो ओपन अ चैप्टर नंबर 3 इन योर इंग्लिश बुक। स्टूडेंट्स, हम SA फर्स्ट का सिलेबस प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है द स्लीपी कैट, जिसकी हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर ली है। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना क्विकली इसका रिविज़न कर लेते हैं। तो क्या होता है कि सैमी एक फैट कैट है और एक बच्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, यानी आलसी होता है। उसे खेलना बहुत पसंद होता है, वो हर वक्त खेलता रहता है और वो अपने बेड पर सोने के लिए नहीं जाना चाहता। जब वो टाइम से सोता नहीं है तो वो स्कूल के लिए टाइम से उठता भी नहीं है। इस चीज़ से क्या होता है, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब वन वीकेंड वो कहाँ जाते हैं, उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। उसका क्या नेम है, तुषार। दादा दादी से मिलने के लिए जाते हैं तो तुषार के पेरेंट्स क्या करते हैं, ग्रैंडपा को यानी दादाजी को उसकी सारी बात बताते हैं। तब दादाजी क्या कहते हैं, आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है, माई फैट कैट सैमी, बिल्ली का नाम है सैमी, वो हेल्प कर सकती है। अब देखिए आगे क्या होता है। सैमी वॉज अ स्लो फैट कैट। सैमी स्लो फैट कैट थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी जस्ट स्लेप्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर टाइम वो क्या करती थी, सोती ही रहती थी। डेट नाइट एट बेड टाइम तुषार अगेन डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड। अब जिस रात वो सैमी को यानी फैट कैट को अपने घर लेकर आते हैं तो तब क्या होता है, सोने का टाइम होता है, लेकिन वो सोने के टाइम पर भी तुषार जो है वो अपने बेड पर नहीं जाना चाहता। डैड सेड सैमी वुड हेल्प सेट तुषार्स फादर। तो डैड ने कहा सैमी हेल्प करेगी, सेड तुषार्स फादर यानी तुषार के फादर ने कहा। आवर्स लेटर कुछ घंटों बाद तुषार फाइनली डिसाइडेड टू गो टू बेड। तुषार ने फाइनली डिसाइड किया कि अब सोने का टाइम हो गया है और अब मुझे सोने के लिए चले जाना चाहिए। बट वॉट अ सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज हुआ। व्हेन ही एंटर्ड हिज बेडरूम, जब वो अपने बेडरूम में जाता है, देखिए तो तब क्या होता है, सैमी वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। सैमी जो फैट कैट है वो उसके बेड पर सो रही थी। शी वॉज स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन, और वो इतनी तेज़ खर्राटे लेकर सो रही थी मानो जैसा कि ट्रेन चलती है। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन की बहुत तेज़ आवाज़ होती है, इसी तरह वो फैट कैट जो है वो बहुत तेज़ खर्राटों से सो रही थी। तुषार ट्राइड टू शिफ्ट सैमी बट ही कुड नॉट मूव हिम नॉट इवन एन इंच। तुषार ने सैमी को क्या किया, शिफ्ट करना चाहा, उसे हटा मूव करना चाहा, उसे हटाना चाहा, लेकिन वो उसे नहीं हटा पाया, यहाँ तक कि वो उसे एक इंच भी नहीं हिला पाया। डैट नाइट तुषार हार्डली स्लेप्ट, उस रात को तुषार जो है वो बहुत मुश्किल से सो पाया। सैमी पुश्ड हिम इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बेड, क्योंकि सैमी क्या कर रही थी, सैमी जो थी वो पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी और बेड का जो एक कॉर्नर था बस उसी में वो तुषार वहाँ सो पाया। द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड, अगले दिन सेम वही चीज़ हुई। तुषार वॉज टायर्ड एंड स्लीपी बट सैमी वॉज ऑन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप। तुषार बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे नींद आ रही थी, तो जब वो ऊपर गया तो वो क्या होता है, वहाँ पे सैमी जो थी वो ऑलरेडी उसके बेड पर सो रही थी। ऑन द थर्ड डे तुषार डिसाइडेड टू गो टू गेट इन टू बेड बिफोर सैमी डिड। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन तुषार ने क्या डिसाइड किया कि वो सैमी के जाने से पहले ही अपने बेड पर चला जाएगा। डेट नाइट एज सुन एज हिज पेरेंट्स सेड नाउ इट्स बेड टाइम तुषार रेन अप स्टेयर्स एंड जम्प इन टू द बेड। तो उस रात को जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब सोने का टाइम हो गया है तो तुषार ने क्या किया, वो एकदम से ऊपर गया और उसने बेड पर अपने जंप लगाई। हिज पेरेंट्स कुड नॉट बिलीव इट, ये देखकर उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था। दे न्यू नथिंग अबाउट सैमी स्लीपिंग ऑन तुषार बेड पे, नहीं उनको नहीं पता था कि तुषार के बेड पर सैमी सो रही है। सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई तुषार वेंट टू बेड ऑन टाइम, इसलिए वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि तुषार जो है वो टाइम से बेड पर कैसे चला गया। दे वर जस्ट हैप्पी डैट ही डिड, वे बहुत ज़्यादा खुश थे कि तुषार ने उनकी बात मानी और वे सोने के लिए चला गया।